ये छिपकली है, छिपकली को अल्कोहल में डुबाया है, दिस इज 5 ईयर ओल्ड। और ये इसने डाला है वाइन, राइस रूट एंड लिजर्ड। गाइज ये देखो, ये मैं ट्राई करने वाला हूँ अभी, होप सो कल तक जिंदा बचूंगा। बेस्ट ऑफ लक भाई, लेट्स ट्राई। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोपहर के 1:15 बजे है और हम लोग अभी है 458 बीन डिन फू स्ट्रीट पे। पीछे देखो, ये जो ब्लैक एंड येलो कलर की बस दिख रही है वो है हमारी बस जो हमें लेके जाने वाली है हनोई। अभी हम लोग है समवेयर इन सापा और ढूंढ रहे हैं खाने के लिए कुछ तो बिफोर लिविंग टू हनोई। बस 15 मिनट बचे हैं हमारे पास, कुछ तो लाइट लाइट हम लोग खाएंगे क्योंकि 5.5 घंटे की जर्नी है हमारी हनोई के लिए। बीच में बस रुकती है 2 स्टॉप पे। अभी थोड़ी सी भूख लगी है हमें तो एक होटल में हम लोग आए हैं। हाय हाय, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? पुनिश। पुनिश, 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 बॉन, बॉन, ओके। हेलो हेलो हेलो। तो अभी मैं चढ़ रहा हूँ बस के अंदर। यहाँ पे ये कंसेप्ट है, थैली लेनी है, उस थैली के अंदर चप्पल डालनी पड़ेगी ऐसे। ये डाल दी। ये बस थोड़ी बेटर लग रही है हमें कंपेयर टू जब हम लोग हनोई एयरपोर्ट से आए थे। ये देखो बहुत ही बढ़िया सीट्स है। ये है 20 और ये है 90। ये है मेरी सीट, ये है मुरली की सीट। एक नंबर बढ़िया बस है। और बस के फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो सामने स्क्रीन है बट अभी चालू नहीं हुई है। यहाँ पे थोड़ी सी लेग के लिए स्पेस है ऐसे। और कंबल, ये देखो कंबल यहाँ पे है। और यहाँ पे एक खींचने के लिए हैंडल है जिसको खींचने पर ऐसे हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे देखो LEDs, इसके सारे बटन्स यहाँ पे है। अब देखो इसको मैं दबा देता हूँ, बंद, चालू, बंद, ये भी। जब हम लोग हनोई से आ रहे थे तो हमारी यहाँ पे ऐसे बीच की सीट थी तो हमें व्यू नहीं दिखाई दे रहे थे, बट आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिखने वाले है यहाँ से। ये है एसी वेंट, और भी बहुत सारे फीचर है यहाँ पे। इसके लिए हमने पे किए है 1000 ओनली। और इसकी सारी डिटेल्स मैंने मेरे सेकंड एपिसोड में बताई है। बस स्टार्ट हो गई है एंड फाइनली वी आर लिविंग सापा। डेढ़ घंटे के सफर के बाद बस रुकी है एक छोटा सा मॉल है यहाँ पे वॉशरूम के लिए। एक मज़ेदार चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, ये देखो हम लोग आचार जैसे डालते हैं कांच के बॉटल में, वैसे ही यहाँ पे। पहले मुझे लगा फिश है बट पेड़ों के रूट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, देख लो। ये शायद गाजर लग रहा है, ये है गाजर। और ये मूली लग रही है किसी पेड़ की, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मूली है। बहुत ही अलग अलग अमेजिंग चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे वियतनाम में, क्या क्या खाते हैं लोग यार। शाम के 5:30 बजे है और सेकंड स्टॉप पे हमारी बस रुकी है। यहाँ पे देखो बहुत सारी बसेस दिख रही है और हम लोग खाने के लिए ढूंढ रहे हैं अभी, लिटरली बहुत भूख लगी है। चीज़ मिली है, हाँ, और एक फैमिलियर चीज़ मिली है। हाँ ये है शेंगदाना चिक्की। हाय हाय, बस तो ½ आवर, ½ आवर, ओके ओके, यस यस। तो वो बोल रहा था कि बस स्टॉप 1/2 आवर, आधा घंटा बस रुकेगी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ कुछ फैमिलियर चीज़ मिली है मुरली, बराबर ये है, हक से, हक से खा सकते हैं हम लोग, वो है शेंगदाना चिक्की। बट वी डोंट नो टेस्ट हमारे इंडिया टेस्ट कैसे रहते हैं, इंडिया में जो रहते हैं वही 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 टेस्ट है क्या, नहीं तो फिर इसमें अलग सरप्राइज मिलेगा बट तो पूरा खाने का मूड चला जाएगा। और इसकी प्राइस है 35K, मतलब
इंडियन रुपीस पकड़े तो 105 रुपए। तो दूसरा आइटम हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, व्हाट, एग, हॉट एग एंड हॉट डॉग, हाउ मच, वन एग 20 एग एंड हॉट डॉग 30, एग 20 एंड हॉट डॉग 30, टोटल 50। नो वेद दो डिबे का एडी सेट रे, एग एग ची वेगेन हॉट डॉग ची वेगेन, एग ची 20 लाइन ही 30 लाइन, अलग अलग सेट। अच्छा अच्छा, सो दिस इज 30, नो 10 10 अरे हॉट डॉग टाकला की 30। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक हॉट डॉग, हाँ हाँ ठीक है, हाँ टू एक हॉट डॉग, एग एंड हॉट डॉग, एग एंड हॉट डॉग, हाँ एग एंड हॉट डॉग टू 31 एग एंड हॉट डॉग 30 ओके, गिव टू। तो ये आ गया हमारा हॉट डॉग, एग एंड हॉट डॉग। कैसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है हमें, बट कल से बेटर है, कल से ज़्यादा समझ आ रहा है हमें। खाना भी अच्छा है, मतलब खाना क्या खाना चाहिए ना, वो आइडिया आने लगे हमें यहाँ पे। डे बाय डे हम लोग बेटर हो रहे हैं वियतनाम में। वो छोड़ो, आप नज़ारे तो एंजॉय कर रहे हैं ना, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ नज़ारा। शाम हो चुकी है, अभी रात हो जाएगी तो डायरेक्टली मैं हैनोई पहुँचते ही शूट चालू करूँगा, तो अभी एंजॉय करता हूँ, बहुत भूख लगी है। रात के 8:30 बजे है और हम लोग पहुँचे हैं हैनोई सिटी के ओल्ड क्वार्टर के आजू बाजू, कहाँ तो भी है। आते समय ग्रैब एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, हमारे यहाँ पे जैसे ओला उबर है वैसे यहाँ पे ग्रैब चलता है, कैब भी बुक की है। तो यहाँ से हमारा जो हॉस्टल है वहाँ तक का चार्जेस बता रहा है वो 37,000, 3 मिनट लगेगा आने में उसको। गाइस बहुत कॉमेडी सीन चल रहा है, हमारे ड्राइवर को पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ पे हैं और वो क्या बोल रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा, इसलिए मुरली देखो वहाँ पे गया है, वो सिक्योरिटी गार्ड है ना उसको बोल रहा है कैब ड्राइवर से बात करो और बताओ कि यहाँ पे है, मतलब ये शायद पीछे थांगलोंग ओपेरा होटल है और मेरे पीछे देखो ये वियतकॉम बैंक है, बट और ये सेकेंड कैब है, पहली कैब कैंसिल कर दी उसने, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था वो क्या बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, तो शायद उसने ही कैंसिल कर दी। होप सो वो आएगा, अगर उसने सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ बताया होगा उसको अच्छे से बताया होगा तो। गाइस फाइनली आ गई, थैंक गॉड। सो गाइस फाइनली वी आर एट हैनोई बैकपैकर सूट हॉस्टल, हेलमेट का हम बसते हैं। गाइस सेकंड कॉमेडी हो चुकी है, हम लोग गलत पते पे गए हैं और भी ड्राइवर को टिप देके ड्राइवर भी परेशान था, वो भी घूम घूम के थक चुका था हमारी लोकेशन देख के। एनीवेज हम लोग गलत पते पे गलत होटल पे पहुंच गए, बट नाम सेम ही था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सूट एक्स्ट्रा है उसमें सूट नहीं है, तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं, मतलब उसने बता दिया है कि ज़्यादा दूर नहीं है, ये वाला टर्न है, ये टर्न लेना है बस और 200 मीटर आगे। सो गाइस फाइनली वी आर एट राइट प्लेस, सिटी बैकपैकर्स हॉस्टल हैनोई ओल्ड क्वार्टर, वी हैव अ बुकिंग। हाय, वेलकम, हेलो सिटी बैकपैकर, थैंक यू, कैन आई हेल्प यू? So it's Vietnam versus Thailand? Yeah. Two? Two. Vietnam versus Thailand? Yeah. देखो फुटबॉल की मैच चल रही है। This is our hostel. There are lots of bunks bed. I think total there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this is Marshall from Germany. Hi Marshall. Nice to meet you. Once again. Yeah? Mera naam Marshall hai. Yeah. Actually Marshall knows Hindi little bit. He's from Germany. He traveled from Mumbai to Hanoi directly. तो क्या क्या सुविधा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है ड्रायर और यहाँ पे हम लोग सारे रहने वाले है, प्लस ये बंदिया भी दो, एंड दिस इज टॉयलेट, स्लाइडर वाला है, यस, टॉयलेट एंड बाथरूम। रात के 10 बजे है और हम लोग फ्रेश होके बाहर निकले हैं हंट पे इसलिए क्योंकि बहुत भूख लगी है इसलिए खाना ढूंढने हम लोग बाहर निकले हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं,
मेनू कार्ड भी लगाया है वहाँ पे, बट मेनू तो हमें पढ़ने नहीं आ रहा है, वो सारा वियतनामी लैंग्वेज में है। बार तो बहुत सारे है यहाँ पे, भर भर के बार है। ये देखो गाइस, ऐसे लोग खा रहे, बच्चे भी है, फैमिली भी है। ये देखो ऐसे, आफ्टर लॉट ऑफ सर्च हम लोग पहुँचे एक सर्कल के करके, एक यहाँ पे बहुत सारे हमें शॉप दिखे, शायद फ्रेंचाइजी रहेगी सर्कल के करके। इसमें है स्टीम स्वीट पोटैटो स्टीम कॉर्न, मतलब रतड़ा एंड मक्का पे है, स्टीम बन डोंट नो, फ्राइज और डॉग्स ऑमलेट दिख रहा है, पे बॉयल्ड एग 5000। सुपरमार्केट है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। सो गाइस फाइनली ये हमें मिले है, दो अंडे है, दो अंडे उसमें से मुरली ने एक छिला है, और ये है कुछ तो मोमोज जैसा लग रहा है, जापनीज चिकन करी राइस। ये रेडी टू कुक था तो उसने बॉयल करके जस्ट दिया है हमें। ये के सर्कल करके एक फ्रेंचाइजी है यहाँ पे, यहाँ पे हमें ये आइटम्स मिले हैं। रात के 12 बजे तक ये चालू रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी चलता है। अगर आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड रहेगा तो डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो, आपके करेंसी भी बच जाएगी। तो और नूडल्स भी आ गए हैं, नूडल्स पड़े हैं, ये देखो नूडल्स। ओके ओके, मैगी है बट इनके मसाले हैं तो टेस्ट थोड़ा सा अलग है। ये केसर कल में बियर भी मिलती है, तो एक एक बियर भी हमने ऑर्डर की है। आज हमारा बहुत ही एग्जर्शन हुआ है, तो अभी ये वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल मैं जा रहा हूँ वियतनाम का सबसे फेमस स्पॉट, जिसके लिए वियतनाम फेमस है, विच इज़ हालांग बे। तो वो वीडियो बिल्कुल 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 मिस मत करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वियतनाम के एपिसोड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ये छिपकली है, छिपकली को अल्कोहल में डुबाया है, दिस इज़ 5 ईयर ओल्ड, और ये 60 ml पैक बना रही है यहाँ पे। 65 ml, नो नो, प्राइस इज 65 बट ml इज 60, राइट? यस। और ये इसने डाला है वाइन, राइस रूट एंड लिजर्ड। ये देखो, ये मैं ट्राई करने वाला हूँ अभी, होप सो कल तक जिंदा बचूंगा। मुरली बेस्ट ऑफ लक भाई, और मैं हैप्पी विद वैलेंटाइन। मुरली हैप्पी विद वैलेंटाइन, बट मैंने ले लिया है ये छिपकली की दारू। सूत्रों के अनुसार अभी पता चला है, मतलब मैम ने बताया है, मैम ने अभी बताया कि इसको डायरेक्टली पीते हैं। लेट्स ट्राई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई। स्मेल्स सम डिफरेंट, स्मेल्स डिफरेंट, मतलब सेम ही है, नॉर्मल लिकर रहते हैं उसके जैसा ही है, बट ये नीट पी रहा हूँ मैं इसलिए थोड़ी अजीब टेस्ट है, बट ओके क्या आई कैन, लेट्स सी। हेलो।